गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6 ऑफ मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग शेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस पेयर्स ऑफ एंगल्स, ओके, विच आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो द फर्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स. टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बिटवीन टू अदर आर्म्स. या फिर हम उसको बोल सकते हैं नेबर एंगल्स, लाइक ए ओ बी एंड सी ओ बी, और यू कैन से बी ओ सी, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. ओके, जिसके आर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. व्हेन वी राइट दीज नेम्स, एंगल ए ओ बी, दिस इज द नेम द फर्स्ट एंगल एंड द सेकेंड वन एंगल बी ओ सी, वाइल ऑब्जर्विंग यू सी दैट ओ इज कॉमन हियर एज वेल एज हियर. सो दीज एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट वन, लीनियर पेयर. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सेट टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन वन लाइन. एक सिंगल लाइन पे अगर एंगल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. लाइक यू कैन से दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई. ओके, इनका सम हमेशा 180 होता है. देयर सम इज 180. इफ दैट इज 50 तो ये जो होगा 180 में से माइनस करके आएगा, मतलब 130 होगा. अंडरस्टूड? अगर हम और लाइन्स ड्रॉ कर लें लाइक दिस दिस, तो इस एंगल का ए बी सी डी एंड दिस वन इज ओ. ओके, सो द सम ऑफ ए ओ सी सी ओ डी एंड बी ओ डी विल ऑलवेज बी 180 डिग्री, क्योंकि एक जो लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है. यू माइट हैव अंडरस्टूड. ओके, दिस इज लीनियर पेयर, रिमेंबर. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. द एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक दिस 60 एंड 30, देयर सम इज 90. सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मूव ऑन. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजर्स 180. अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. 120 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180. इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. दिस लीनियर पेयर ऑल्सो सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज 180 डिग्री. नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. In vertically opposite angles, when two cross lines are drawn, two intersecting lines are drawn, their opposite angles are equal always. This angle equals to this and this angle is equals to this. You might have understood, okay? Same sign will be equal. So let's see carefully. X is equals to Y. This X will be equals to Y. Samne samne ke angle equal ho jayenge. P is equals to Q. Okay? The opposite angles to the common vertex formed by the intersection of two lines having no common arm. ये मतलब हम बोलेंगे B, if suppose that it is O, B O C, right, is equals to A O D. Arms are not common. We will write angle B O C is equals to angle A O D. In this angle is common. Okay, the vertex is common, but not the arms. Right. If the other angle is being written here, angle BOD is equals to angle AOC. Again, angle is common but not the arms. Okay children, this is it. Try more and more questions yourself of the first exercise. Thank you very much.